तो दोस्तों कैसे हो आप सब लोग। जो लास्ट टाइम मैंने आप सबके साथ एक अंडे की रेसिपी शेयर की थी ऑमलेट की, और उस पर आप लोगों ने मुझे बहुत सारा प्यार दिया था। उस पर कम से कम 2 मिलियन व्यूज़ आए थे। तो मैं आशा करता हूँ फिर दोबारा आप जो है इस मेरी अंडे की रेसिपी को फिर से लाइक करेंगे, जिसके ऊपर मैं चाहता हूँ कि कम से कम 2 मिलियन से ऊपर फिर से व्यू आए। एक यूनिक और स्पेशल अंडे की रेसिपी मैं बनाने जा रहा हूँ, तो आइए देखते हैं क्या क्या है हमारे पास। तो दोस्तों आज का जो नाश्ता है वो बना रहे हैं राजवीर। राजवीर हमेशा जब भी हमें कुछ स्पेशल खाना होता है ना, तो ऐसी कुछ रेसिपीज बनाते हैं जो बहुत ही यूनिक होती है, खाने में इतनी टेस्टी होती है ना, लाइक मिनटों में हम लोग ख़त्म कर देते हैं। आज की रेसिपी बहुत ही सिंपल है, घर की रखी चीज़ों से बन जाएगी। तो आपने यहाँ पर देखा बहुत ही बेसिक सी चीज़ों का हम इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या कर लेना है, एग ले लेने हैं। अप्रोक्सीमेट 4 से 5 अंडे हमने यहाँ पर लिए हैं। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से एग इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले एक मिक्सिंग बोल में हम इन सभी एग्स को डाल देंगे, और उसके बाद हम इसमें डालेंगे फाइन की हुई सब्जियां। तो उसमें हमने यहाँ पर लिया है बिल्कुल फाइनली चॉप किया हुआ आधा प्याज, आधा टमाटर ले लिया है, सीड्स निकाल के फाइनली चॉप करके लेंगे, थोड़े से बारीक कटी हुई हरी मिर्च और काफ़ी सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया हमने यहाँ पर ले लेना है। सूखे मसालों में सिर्फ 3 बेसिक चीज़ें हम इसमें डालनी है। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे नमक, 1/3 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। दोस्तों जो सूखे मसाले हैं ना वो बहुत ज़्यादा ऐड नहीं किए हैं, क्योंकि इसमें 2 चीज़ें आरवी ने और डाली हैं, जो कि है मैगी मसाला, और उसके साथ ही उन्होंने ऐड किया है सेजवान चटनी। तो सेजवान चटनी में काफ़ी सारे स्पाइसेस होते हैं, साथ ही जो मैगी मसाला होता है उसमें भी स्पाइसेस होते हैं। तो जो नमक हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर यूज़ किया है वो बहुत ही लिमिटेड यूज़ किया है। आप अपनी ज़रूरत और स्पाइसेस को ध्यान में रखते हुए उसका इस्तेमाल कीजिएगा। अब 1 टीस्पून सेजवान चटनी डालने के बाद इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से आप मिक्स कर लीजिए। बिल्कुल अच्छी तरह से आपको यहाँ पर फेंट कर इसे रेडी कर लेना है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं आरवी बहुत अच्छे से अंडों को फेंट कर रेडी कर रहे हैं। अब इन्होंने यहाँ पर ले लिया है एक नॉन स्टिक तवा या फिर नॉर्मल तवा जो आप घर में इस्तेमाल करते हो अंडे बनाने के लिए। उस पर लगाएंगे हम 1 से 2 टीस्पून के करीब बटर, और अच्छी तरह से बटर जब तवे पर चारों ओर फैल जाएगा तो गैस का फ्लेम लो टू मीडियम कर देंगे, और अंडों का जो मिश्रण हमने बनाया था वो सभी तवे के ऊपर डाल देंगे। फिलहाल हम यहाँ पर गैस का फ्लेम हाई नहीं करेंगे, लो टू मीडियम पे अच्छी तरह से अंडे की जो लोअर साइड है ना उसको कुक होने देंगे। और इसी स्टेज पर हमने यहाँ पर ले ली है 4 ब्रेड स्लाइसेस। हमने यहाँ पर वाइट ब्रेड स्लाइसेस ली हैं, आप जो भी पसंद करते हो आप अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकते हो। उन्हें क्या करना है ना, अंडे के मिश्रण में इस तरह से कोट करना है, दोनों साइड से कोट करना है, सिर्फ एक साइड से नहीं करेंगे, दोनों साइड से मसाला अच्छी तरह से कोट हो जाए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद हम वेट करेंगे कि ये जो अंडा है एक साइड से कुक हो जाए। आप देखिए यहाँ पर आरवी जो है कॉर्नर्स को स्क्रैच कर रहे हैं ताकि ये बिल्कुल भी चिपके ना, और लो फ्लेम पर जब हम इसे पकाते हैं ना तो नीचे साइड से अंडा बहुत बढ़िया से कुक हो जाता है। तो बस अब हमें इसे फ्लिप करना है, पर उससे पहले हम क्या करेंगे, इसके ऊपर रखेंगे 2 ब्रेड स्लाइसेस जिनके ऊपर हमने मसाला बनाकर रेडी किया था ना, उन दोनों को कुछ इस तरह से हमें अंडे के ऊपर रख देना है। अब हमें इसे करना है फ्लिप। तो दोस्तों जब आप देखें ना कि नीचे साइड से बढ़िया से ये कुक हो चुका है, तब हम बड़े ही आराम से इसे दूसरे साइड पे फ्लिप करेंगे, और जहाँ पे हमने ब्रेड रखी थी ना वहीं पे हम रखेंगे चीज़ स्लाइस। उससे पहले हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला, अगर आप पसंद करते हैं तो आप इसमें ऐड करें, नहीं तो आप चाट मसाला स्किप कर सकते हैं, बट इससे फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है। बिल्कुल थोड़ा सा चारों ओर हमें स्प्रिंकल करना है, और जहाँ पे हमने ब्रेड रखी थी वहीं पर हम रखेंगे चीज़ स्लाइसेस। अगर आपके पास चीज़ क्यूब्स है तो आप कद्दूकस करके भी यहाँ पर चीज़ क्यूब्स को अच्छी तरह से फैला सकते हैं। अब जो एक्स्ट्रा पार्ट है एग का, उसे हम फोल्ड कर लेते हैं इस तरह से। तो बढ़िया से ये फोल्ड हो चुका है, और जो 2 ब्रेड हमने पहले रेडी करके रखी थी उन्हें इसके ऊपर रखेंगे। तो दोस्तों हमने 4 ब्रेड्स के ऊपर मसाला लगाया था और चारों ब्रेड हमने यहाँ पर इस्तेमाल कर ली है। अब इसे फ्लिप करेंगे, और नीचे वाली साइड से 2 से 4 मिनट तक बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर बढ़िया क्रिस्पी होने तक कुक करेंगे। जब आप देखें कि ये बढ़िया से क्रिस्पी हो चुके हैं और ये जो नाश्ता है हमारा बहुत ही अच्छी तरीके से रेडी हो चुका है, तो बस अब हम इसे कट करेंगे, गर्मा गर्म सर्व करेंगे। अगर आप थोड़ा और बटर चाहते हैं तो ऊपर से स्प्रिंकल कर सकते हैं, लाइक स्प्रेड कर सकते हैं, और चीज़ भी अगर एक्स्ट्रा चाहते हैं तो चीज़ भी ग्रेट करके यूज़ कर सकते हैं। बट मैं बताऊं और कुछ भी इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ये नाश्ता इतना कमाल का है ना, लाइक जब भी हमारे घर में बनता है फटाफट से ख़त्म हो जाता है, कहाँ गया पता ही नहीं चलता, जितना भी खा लो ना कम ही लगता है।
एक बार आप जरूर ट्राई कीजिएगा। बाय बाय।